हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। व्लॉग अब्रॉड चैनल पे आप सभी का स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि मेरे आपने सारे व्लॉग्स देखे होंगे और मेरा शॉपिंग हॉल भी देखा होगा। अगर नहीं देखा तो शॉपिंग हॉल वाला वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक ज़रूर डाल दूंगी। और यहाँ पर हमने कल हमारी कार वॉश कराई मैनुअल पेट्रोल पंप पर जाकर, और कल ही यहाँ सैंड स्टॉर्म आ गया। बेचारे उन लोगों की सारी मेहनत भी वेस्ट हुई। और क्योंकि हालांकि कार तो पार्किंग में खड़ी होती है, बट स्टिल वो जो वेंट्स होते हैं ना, वहाँ से धूल आई जाती है। मैं ये क्या कर रही हूँ, आप लोगों को सारी चीज़ें यही बता दूंगी तो आप आगे देखेंगे कैसे। आइए आगे चलते हैं व्लॉग की तरफ। इस बार हमने मैनुअल वॉश नहीं कराया, ऑटोमेटिक नहीं कराया, क्योंकि कार अगर ऑटो वॉश कराओ तो फिर पूरे अंदर से साफ नहीं होता और कैसे भी साफ नहीं होता है, तो ये ज़्यादा अच्छा लगा हमें। थोड़ा कॉस्टली होता है बट ये बेटर ऑप्शन है। तो ये लोग पहले पूरा शैम्पू करते हैं, कैसी को भी शैम्पू करते हैं और पूरी बॉडी भी कैसी शैम्पू करते हैं, बहुत अच्छे से साफ करते हैं कार। ऐसा लगता है जैसे कार नई हो गई है। तो यहाँ ऑफिस स्टार्ट हो जाते हैं, फिर किसी के पास टाइम होता कार वॉश करने का, फिर फ्राइडे सैटरडे सारा काम कंप्लीट कर लेते हैं और ऑफिस जाना है। बस फ्राइडे का सैटरडे का लास्ट काम वेट कर रहा था कार वॉश। अगर वो आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ चेक कीजिएगा वो ब्लॉग भी और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसे लग रहे हैं आपको मेरे ब्लॉग। सारा कुछ वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करते हैं ये लोग, मतलब इतना अच्छा से सफाई करते हैं ना कि 40 दिरहम देना बुरा नहीं लगता। ये जो स्टील का है जिस पर ईगल बना हुआ है, ये वैक्यूम क्लीनर है। सोचिए कितना पावरफुल होगा, गाड़ी इतनी अच्छी साफ हो जाती है अंदर से जैसे नई हो। और जैसे कि मैंने बताया था कि कार वॉश हुई और तभी थोड़े मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग सैंड स्टॉर्म आ गया, तो बस वर्कर्स की भी सारी मेहनत वेस्ट हुई। एनीवेज कोई बात नहीं, ये इसकी भी एक अलग खूबसूरती है। और आगे मैंने ड्रम स्टिक की सब्जी की रेसिपी शेयर की है, तो आप मेरा व्लॉग आगे तक लास्ट तक देखिएगा। हेलो, कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ छत्तीसगढ़ में भाजियों के बाद सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली सब्जी, जिसे कहते हैं मुनगा और इंग्लिश में इसका नाम है ड्रम स्टिक। ये बहुत पौष्टिक होती है खाने में और छत्तीसगढ़ के लोगों को, हम लोगों को ये बहुत पसंद है। तो आइए देखते हैं मुनगे की सब्जी कैसे बनाते हैं और इसको बनाने के लिए हमें किन सारी चीजों की जरूरत है। मुनगे की सब्जी हम बिल्कुल देसी स्टाइल में बना रहे हैं, इसलिए मैंने कोई भी मसाला पीस कर नहीं रखा है, सब चॉप करके रखा है। तो हमें चाहिए प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर, और मुनगा में आप आलू डालिए। और वैसे मुनगे में बड़ी डालने का बड़ा रिवाज है, तो मुनगा बड़ी, मुनगा आलू, ये काफी फेमस रेसिपीज है हमारे छत्तीसगढ़ की। तो ये सारी चीजें चाहिए। इसके अलावा जो ड्राई मसाले हमें लगते हैं जैसे कि जीरा, धनिया पाउडर एक्सेट्रा, वो चाहिए। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें सबसे पहले मुनगा डालकर इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। आलू और मुनगा हमारा फ्राई हो गया है, तो हम इसे एक प्लेट में निकाल कर अलग रख लेंगे। अब
अब हम इसी तेल में सब्जी का बघार लगाएंगे। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे सरसों, जीरा, ये क्रैकल हो जाए, फिर हम इसमें प्याज डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, मसाला पीस कर बनाने से ही टेस्टी बनेगी ऐसा नहीं है, तो कभी कभार इस तरीके से भी सब्जियां बनाकर देखा कीजिए। प्याज सिक जाए फिर मैं आप लोगों को आगे का प्रोसीजर दिखाती हूँ। प्याज काफी हद तक सिक गई है, तो अब हम इसमें अदरक और लहसुन डाल देंगे। अब प्याज पूरी गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे, तो अदरक और लहसुन भी साथ में ही सिक जाएगा। हमारी प्याज काफी हद तक सिक गई है, तो अब हम इस लेवल पर इसमें टमाटर डाल देंगे और अभी ही नमक भी डाल देंगे। और इसका ढक्कन अभी ढक देंगे ताकि टमाटर अपना सारा पानी निकाल दे। बस अब इसका ढक्कन हम लगा देंगे। टमाटर काफी गल गए हैं, अब हम इसमें सारे ड्राई मसाले डाल देंगे। सबसे पहले हल्दी, फिर मिर्च और फिर धनिया पाउडर। वापस से मिक्स कर लेंगे। देखिए मसाला देखकर लग ही नहीं रहे कि हमने ये पीसे नहीं थे प्याज वगैरह, तो कभी कभार इस तरीके से भी खाना बनाकर देखिएगा। अभी इसको वापस से ढक कर रख देंगे। ये हमारा मसाला पूरी तरह सिक गया, अब हम इसमें आलू और मुनगा डाल देंगे, थोड़ा मिला लेंगे। और मैंने ये पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि सब्जियों में गर्म पानी डालने से बेहतर रहता है, तो अभी ये डालेंगे जितनी हमें ज़रूरत हो। सही है, अभी हम इसको वापस से ढक्कन लगा देंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक मुनगा और आलू अच्छे से पक ना जाए। मैं आशा करती हूँ मेरा आज का व्लॉग भी आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, मासलामा। सब्जी हमारी हो गई है, अब हम इसमें धनिया डाल देंगे। और बेस्ट टेस्ट के लिए आप ये सब्जी चावल के साथ खाइएगा और फिर खाकर मुझे बताइएगा